हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम जिस समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हमारा समाज अभी भी अच्छी नजर से नहीं देखता है, लेकिन इस समाज की दुआ और बददुआ में बहुत दम है दोस्तों। ये समुदाय अक्सर हमारे और आपके घरों में जब खुशी वाली कोई बात होती है तो दुआ देने के लिए जरूर आता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे समाज में ही रहने वाले किन्नर या ट्रांसजेंडर्स के बारे में, जिनका इतिहास बहुत ही पुराना है। इन लोगों का जिक्र महाभारत काल से लेकर राजा महाराजाओं के समय से होता आ रहा है। महाभारत में जहां किन्नर को शिखंडी के रूप में बताया गया, वहीं मुगलों और नवाबों के हरम में रानियों की देखरेख और उनकी रक्षा के लिए किन्नर रखे जाते थे। पुराने समय से ही मान्यता है कि किन्नर की दुआ और बददुआ जरूर लगती है। दोस्तों, यही आज भी माना जाता है। कभी भी किन्नर को नाराज नहीं करना चाहिए। वैसे क्या आपने कभी सोचा है, आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर महिला किन्नर या पुरुष किन्नर की पहचान कैसे होती है, उनका जीवन कैसा होता है, वो लोग पारिवारिक सुख ले पाते हैं या नहीं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको किन्नर से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन्नर को हिजरा और ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी गिनती न तो आदमी में होती है न ही महिला में होती है। कई लोग इन्हें अपमान स्वरूप बीच का आदमी भी कहते हैं। इनके हाव भाव आदमियों जैसे भी होते हैं और महिलाओं जैसे भी होते हैं। कई किन्नर ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी के सभी अंग आदमियों वाले होते हैं, परंतु उनकी चाल ढाल महिलाओं जैसी होती है। वहीं कई किन्नर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल महिला की तरह दिखाई देते हैं, परंतु उनके पास महिलाओं वाले अंग नहीं होते। आपको जितने भी किन्नर दिखाई देते हैं उनमें से अधिकतर की आवाज पुरुषों जैसी होती है, परंतु ये महिलाओं के जैसा श्रृंगार करते हैं और अक्सर ये लोगों से पैसे मांगकर अपना गुजारा करते हैं, जिसके पीछे कारण ये है कि इन्हें जल्दी कोई नौकरी पे नहीं रखता है। और यही वजह है कि अपना पेट पालने के लिए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर सार्वजनिक जगह पर लोगों से पैसे मांगते हैं। दोस्तों, माँ बनना किसी भी लड़के के लिए भाग्य की बात होती है, परंतु कभी कभी ये उस समय उनके लिए समस्या पैदा कर देता है जब उन्हें ये पता चलता है कि जो संतान उनके पेट से पैदा हुई है वो न तो लड़का है न लड़की है, बल्कि वो किन्नर है। दरअसल जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चा कंसीव करने के 3 महीने के बाद धीरे धीरे उसका विकास होना चालू हो जाता है। अगर उसी दरमियान प्रेग्नेंट महिला को कोई बीमारी हो जाती है या फिर उसे अन्य कोई ऐसी समस्या हो जाती है जिससे उसकी बच्चेदानी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, तो इसके कारण बच्चे के लिंग पर इफेक्ट पड़ता है और इसी के कारण कभी कभी पैदा हुए बच्चे में महिला और पुरुष दोनों के लक्षण आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से किन्नर पैदा होते हैं। कई बार तो किन्नर दवा के साइड इफेक्ट के कारण भी पैदा हो जाते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी की अवस्था में काफी सोच विचार कर और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। जैसे ही किन्नरों को ये पता चलता है कि किसी के घर में कोई किन्नर पैदा हुआ है या फिर कोई किन्नर पहले से ही रह रहा है, तो किन्नर उसे अपनी बिरादरी में जबरदस्ती शामिल कर लेते हैं, फिर चाहे उसके घर वाले इसे रोकने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। बता दें कि ऐसे किन्नर जो पैदाइशी किन्नर होते हैं, अगर आप उनके स्तनों को देखेंगे तो वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं और जिन्हें बाद में किन्नर बनाया जाता है उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि जिन्हें किन्नर बनाया जाता है उनके स्तन आकार में मोटे होते हैं। इसके अलावा जो पैदाइशी किन्नर होते हैं उनकी योनि पर किसी भी प्रकार के कटने का कोई भी निशान नहीं होता है, परंतु जिसे किन्नर बनाया जाता है उसकी योनि पर कट का निशान होता है। किन्नर की पहचान करने के लिए आप उसकी आवाज को देख सकते हैं। अगर किसी ने महिला जैसा श्रृंगार किया परंतु उसकी आवाज पुरुषों के जैसी है तो निश्चित है कि वो किन्नर है। इसके अलावा अगर वो ताली पीट पीट के लोगों से पैसे मांगते हैं तो ये भी इस बात की गवाही देता है कि वो किन्नर है। अगर कोई पुरुष किन्नर होता है तो उसके लिंग में जरा सा भी तनाव नहीं आता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि टोटल 46 क्रोमोजोम नंबर मानव जाति का है। इन 46 में से 2 सेक्स वाले क्रोमोजोम होते हैं और बाकी ऑटोड्रोम वाले होते हैं। यही जो सेक्स वाले क्रोमोजोम होते हैं यही इस बात का निर्धारण करते हैं कि लड़का पैदा होगा या फिर लड़की अथवा किन्नर। अगर XY क्रोमोजोम होता है तो उसे पुरुष कहा जाता है और अगर XX होता है तो उसे महिला कहा जाता है। इसके अलावा XXX, YY या OX क्रोमोजोम जिस मनुष्य के अंदर होता है उसे हिजड़ा या फिर किन्नर कहा जाता है। जब महिला के पेट में बच्चा होता है तो कभी कभी कुछ ऐसी वजह बन जाती है जिसके कारण क्रोमोजोम के नंबर में काफी बदलाव हो जाते हैं और यही वजह है कि जो संतान पैदा होती है वो किन्नर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हमारे देश में लगातार किन्नरों के पैदा होने की संख्या कम हो रही है। इसके पीछे वजह यह है कि अल्ट्रासाउंड के जरिए और मेडिकल साइंस के जरिए ये पता कर लिया जाता है कि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की या फिर किन्नर। और जैसे ही ये पता चलता है कि पेट में पलने वाला बच्चा किन्नर है तो उसे पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। वास्तव में दोस्तों, इसके बारे में आप तभी जान पाएंगे जब आप किसी किन्नर से उसके जननांगों को दिखाने के लिए कहेंगे। फिर भी प्राप्त जानकारी के अनुसार जो किन्नर होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट का ढंग से विकास नहीं हुआ होता। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।